ये है ओप्पो F17 Pro। और मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे लगता है बाय द टाइम वी अराइव एट, जब तक ओप्पो निकालेगा F21 Pro ना, वो एक शीट ऑफ पेपर ही बन जाएगा, थिन, सुपर थिन, बिकॉज जिस तरीके से ओप्पो पतला ही पतला चाहे जा रहा है, ओप्पो सीम्स टू बी किलिंग इट व्हेन इट कम्स टू मेकिंग स्लिम एंड लाइट फोन्स। पर जब भी कोई इतना पतला सा फ़ोन देखता है, इतना वेल मेड फ़ोन देखता है जो इतना पतला है, सब कहते हैं यार देखो इतना पतला बनाया है तो बहुत कुछ छोड़ दिया होगा। तो इसी चीज़ के बारे आज हम लोग आंसर करेंगे कि इस फ़ोन में क्या है क्या नहीं है। देखिए, द स्लिमिंग एक्चुअली कम्स विद नो कॉम्प्रोमाइज, 7.48 mm थिन है, स्टिल हैज़ 4 कैमराज ऑन द बैक, इसमें ऑलमोस्ट 4000 mAh की बैटरी है। दिस गॉट टू बी द स्लिमेस्ट एंड मे बी इवन द लाइटेस्ट फोन इन एनी कैटेगरी आउट देयर। इट इज़ इनक्रेडिबल क्या किया है उन्होंने इस फोन के साथ। ओप्पो जो है ना, इसके साथ एक सिलिकॉन केस देता है, विच आई एम श्योर इफ़ यू वॉन्ट टू एड सम बल्क टू इट यू कैन, लेकिन मुझे लगता है मोस्ट पीपल विल नॉट डू इट, क्योंकि ये एब्सोल्यूट शो ऑफ फोन है। प्लस यू डू वॉन्ट टू शो दिस प्रीमियम मैट फिनिश एट द बैक, एब्सोल्यूटली सुपर्ब, इट लुक्स सुपर्ब व्हेन यू एक्चुअली मूव इट अराउंड। इसके जो एजेस जो हैं, दे काइंड हैव अ डिफरेंट ह्यू टुगेदर। ओवरऑल जो फ़ोन है, इट्स वेरी नाइस टू होल्ड, इसका जो हैंड फील है इट इज़ वेरी नाइस, एजेस एंड द कॉर्नर्स आर वेरी स्मूथ। आपको मिल रहा है इसमें 6.4 inch का पैनल, विच इज़ FHD+ इन रेजोल्यूशन। स्क्रीन जो है सुपर एमोलेड है, विद अ टच सैम्पलिंग रेट ऑफ अप टू 180 Hz। तो हर चीज़ बहुत ही फ्लूइड है इसमें, एवरीथिंग इज़ ग्रेट, यू कैन प्ले गेम्स ऑन इट, इट इज़ एक्चुअली इवन वेरी वेरी गुड व्हेन यू आर वॉचिंग डिजिटल कॉन्टेंट ऑन इट, नो प्रॉब्लम एट ऑल। डिस्प्ले जो है उसके अंदर इन्होंने ये भी डाल दिया है, वेरी वेरी फास्ट फिंगरप्रिंट स्कैनर, और एक नैरो सा कटआउट है दैट यू कैन सी एट द साइड, उसमें है 2 फ्रंट कैमराज, 2 सेल्फी कैमराज। यस, एक फ़ोन जिसका तकरीबन 160 ग्राम वेट है, उसमें 6 कैमराज हैं। टेक्नोलॉजी कहाँ से कहाँ पहुँच गया है, बट कैमराज आर वन ऑफ द लाउडेस्ट मार्केटिंग शाउट्स फॉर दिस फोन। हर तरीके से दिस इज़ अ कैमरा फोन ऑन स्टेरॉइड, सो यू माइट एज वेल एक्सपोज देम टू द 16 megapixel प्राइमरी सेल्फी कैमरा, प्लस इट हैज़ अ 2 megapixel डेप्थ सेंसर पार्टनर। बैकग्राउंड सेपरेशन इसकी बहुत अच्छी है, एज लॉन्ग एज यू डोंट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ कोई कॉम्प्लेक्स पैटर्न ना हो, दैट आई थिंक इज समथिंग दैट वर्क्स फॉर ऑलमोस्ट एवरी फोन। बहुत सारे एनहांस्ड AI मोड्स हैं इसमें, फिल्टर्स हैं ऑन ऑफर, इफ यू लाइक डॉक्यूमेंटिंग योर लाइफ जैसे कि व्लॉगर्स करते हैं, और यू रियली लाइक टेकिंग लॉट ऑफ पिक्चर्स, देयर इज अ लॉट फॉर यू टू एक्सप्लोर आउट हियर। वह होस्ट ऑफ AI असिस्टेड मोड्स हैं इसमें, AI नाइट फ्लेयर पोर्ट्रेट है, AI कलर पोर्ट्रेट है, ड्यूल लेंस बोके है, सो मच मोर। नाउ द बैक इज वेयर अ लिटिल बिट ऑफ कन्फ्यूजन स्टार्ट्स। देखिए, इसमें इन्होंने डाले हैं 48 megapixel का मेन कैमरा, 8 megapixel का वाइड एंगल कैमरा, और फिर इसमें है 2 मोनो कैमराज, यस 2, बट देयर इज अ रीजन फॉर इट। I would have preferred if they had given 1 telephoto module instead happily, but there is a reason they've done it. But at least the main sensor has excellent results during the day. And does quite well with even night photography. बहुत सारी AI enhancement है that is going on, and sometimes it's clearly visible, but still it does a very good job. Camera जो है does try to boost amount of color it's getting, ताकि हर चीज़ बहुत ही pleasing लगे, and I'd say sometimes थोड़ा सा over the top चला जाता है, but the photographs जो हम लोग ने खींची, they were absolutely excellent. एक्चुअली वो सेव कर देता है दैट वन एक्स्ट्रा स्टेप ऑफ एडिंग सैचुरेशन, जब आप फोटो को एडिट कर रहे हैं इट्स ऑलरेडी देयर। HDR प्रोसेसिंग जो है काफ़ी अग्रेसिव है, नॉइज सप्रेशन इज एविडेंट इन लो लाइट फोटोज, देर इज नाइट मोड फॉर सिनेरियोज लाइक दिस विच विल मेजरली एड यू इन ब्राइटनिंग अप अ पिक्चर व्हेन देर इज नॉट इनफ लाइट आउट देयर। शार्पनेस डिटेल काफ़ी अच्छी आई, वाइड एंगल सेटअप जो है इज ऑलवेज नाइस टू हैव, ऑलवेज अप्रिशिएटेड। इसमें जो है कलर फ्रिंजिंग है थोड़ा सा एट द एक्सट्रीम कॉर्नर्स, बट नथिंग दैट यू कैन एक्चुअली पॉइंट आउट। ईजी सॉफ्टवेयर फिक्सेज हैं, वीडियो स्टेबलाइज्ड है, डज अ वेरी वेरी टाइट जॉब, बहुत स्टेबल वीडियो मिला हमको इवन वेन वी वर वॉकिंग विद द फोन। अब बात करेंगे अबाउट द 2 मोनो लेंसेज दैट दे हैव गिवन एट द बैक। देखिए, जो नॉर्मल मोनो लेंस का काम है वो तो करेगा ही करेगा, लेकिन 2 मोनो लेंसेज के साथ इट इज एक्चुअली हेल्पिंग विद अ मोड लाइक कलर पॉप, बहुत फ़र्क पड़ जाता है,
can do a lot of quick trickery with it. Running the phone is a MediaTek Helio P95, fantastic processor है, बहुत extra features हैं, AI built-in है, इसको pair किया है उन्होंने 8GB है, जी हाँ 8GB of LPDDR4 RAM and 128GB of UFS 2.1 internal storage. So specs काफ़ी अच्छे हैं, if you play your games on medium settings, आप बहुत satisfied रहेंगे. You won't notice any hiccups in everyday other tasks at all. P95 जो है इसमें जो chipset है, it blows through anything you throw at it. ColorOS 7.2 जो है has been heavily reworked for performance optimization. बहुत clean है, has some great add-on features also, जो कि किसी और UI में नहीं है. और आप में से कई लोगों को लगेगा कि जो आप customization कर सकते हैं, जिस level पे आप personalization कर सकते हैं on this UI is very very nifty. Under normal usage, battery जो है आराम से एक दिन आराम से निकल जाता है. इट टुक रफली एन आवर टू चार्ज फुली. इसमें 30 वॉट वूक फ्लैश चार्जर है 4.0, अडैप्टर साथ में ही देते हैं. फास्ट चार्जिंग इन द अडैप्टर इन द बॉक्स इज ऑलवेज अ वेरी वेरी वेलकम थिंग. अब देखिए एक ही वेरिएंट है यहाँ पे, देर इज़ नो कन्फ्यूजन आउट हियर, देर इज ओनली वन वेरिएंट दैट यू कैन एक्चुअली बाय. सो वन वेरिएंट वन प्राइस पॉइंट, हीलियो P95, 8GB RAM, 128GB storage, and it's available for 22,900, and it's already available out there, and it's already in a lot of demand. Just in a category jisme bahut huge competition hai, lots of other choices hai, where does the Oppo F17 Pro actually stand? Dekhiye, slimmest, great looking, very very good back, fast charging, very good screen, lots of extra features, good performance, 6 camera, 30 watt VOOC fast charging hai isme. Maybe it's the only one at 23,000 rupees. There's a lot going on in this phone. So tell me guys, is design enhanced, jo performance enhanced phone hai ye, iske sath 6 camera hai, has it got you thinking about it? Awaiting your opinion on the Oppo F17 Pro, will this be a big hit like most other Oppo phones? Let the comments begin.